स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम धर्मेंद्र रावत और मैं हूँ आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे एक दिन से मैच के बारे में, पूरे मैच का विश्लेषण, पूरे मैच का आंखों देखा हाल और क्या कुछ साउथ अफ्रीका की तरफ से कमियाँ हुई, क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से कमियाँ हुई, दोनों ही टीमों की तरफ से की गई कुछ गलतियाँ, कुछ अच्छे कामों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उन सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों के साथ मेरा और आप लोगों का रिश्ता अच्छा बना रहे इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोई सुझाव देना है आप मेरे सोशल नेटवर्क के साइट पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक वीडियो पर चलते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। दोस्तों तो शुरू करते हैं वीडियो। थोड़ा गला जो भारी सा हुआ पड़ा इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है, पर फिर भी मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक सही जानकारी और सटीक जानकारी दो। आज दूसरा वनडे मैच साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला गया। आज भी पाकिस्तान ने टॉस जीता, साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण किया और साउथ अफ्रीका ने स्कोर भी अच्छा किया, 330 नियर का स्कोर किया बबुआ कैप्टन और एक फर्स्ट डाउन प्लेयर, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। शीट एंकर का जो रोल निभाना होता है किसी भी टीम में, शीट एंकर एक ऐसा बल्लेबाज जो फर्स्ट या सेकेंड डाउन पर आके उस रोल को निभा पाए, जो एक तरफ से विकेटों को रोक सके, आज वो बम्बुआ ने बहुत शानदार तरीके से किया। आपका डिकॉक की शुरुआत बड़ी स्लो और सदी हुई रही, एक तरफ से माकरम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने थोड़े कुछ एग्रेसिव शॉट्स लगाने की कोशिश की और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, पर डिकॉक की बल्लेबाजी देख कर लग रहा था कि शायद वो या तो अपने उस शैल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो पिछले एक दो मैचों से फंसे हुए, क्योंकि खुल के नहीं बल्लेबाजी कर पाया था। अगर कोशिश कर रहे थे खुलकर खेलने की तो कहीं ना कहीं ख़राब बॉल का चयन करके अपनी विकेट दे दे रहे थे, इसलिए वो बहुत स्लो थे, बॉल को पूरा वॉच करके खेल रहे थे। उनके विपरीत एडम माकरम अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, कुछ लय में दिखे, लेकिन फहीम अशरफ की पहली गेंद पे सिक्स मारने बाद सेकंड गेंद पे भी वो अग्रेसिव शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। लेकिन यहाँ तारीफ डिकॉक की करनी पड़ेगी कि उन्होंने बल्लेबाजी में संयम रखा परिस्थितियों के हिसाब से, और जिस उलझन में पिछले दो मैचों से पड़े हुए थे उस उलझन को अपने आप को उस उलझन से निकालते हुए बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को सेट किया, उसके बाद एक अच्छा स्कोर किया। फील्डिंग के मामले में पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ने एक मैडम माकरम का बड़ी जल्दी ही कैच जो स्लिप की तरफ शादाब खान के हाथों में जाना चाहिए था उसको गैदर करने की कोशिश की और वो कैच भी ड्रॉप कर दिया। तो ये शुरुआती झटका जो साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान की तरफ से लग सकता था वो मिस करके बॉलिंग ओवरऑल मैं यहाँ हसनन की तारीफ करूँगा, अच्छे फास्ट बॉलर है, एग्रेसिव है, स्पीड ठीक ठाक है, बॉलिंग उनकी स्किड करती है, जब वो बॉल को डिलीवर करते हैं तो बॉल में स्किडनेस है, बॉल टिप्पा पड़ने के बाद और तेज होती है गेंदबाजी उनकी तेज है, लेकिन जब वो बॉल पिच से हिट डक करती है उसके बाद गेंद और तेज़ निकलती है, गेंद में हाइट है, उनकी हाइट अच्छी है, गेंद बाउंस अच्छा लेती है, लूप अच्छा बना रही है। हसनन पर मेहनत करने की ज़रूरत है, एक अच्छे गेंदबाज के रूप में निगर सकते हैं। शाहीन आफरीदी पिछले मैच के पाकिस्तान की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे, इस मैच में शायद थोड़ी कुछ कमियां थी जहां उनको पर्टिकुलर बॉल डालनी चाहिए थी, वैसे बहुत अच्छे मजे के गेंदबाज हैं, लेकिन शायद आज डिकॉक ने जिस समझदारी से और बबुआ ने जिस समझदारी से बल्लेबाजी की, दोनों ने रनगति पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, विकेट को बचाने के समय बिताने की कोशिश की और यही मेन आप कह सकते थे नींव रखी उन्होंने, जो आगे चल के वैन डुशन और आपका मिलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके स्कोर को 330 प्लस कर दिया। तो जितनी तारीफ बबुआ की और आपकी डिकॉक की जाए, कर में पाकिस्तानी बॉलिंग में वो धार नहीं दिखी, शादाब खान भी आज अपने लय में नहीं दिखे, ऑलराउंडर एक अच्छे स्पिनर है, गेंद अच्छी डालते, लेकिन पिछले दोनों ही मैच दोनों ही मैचों में आज उनकी गेंदबाजी में कमी थी। पिछले मैच में भी वो उस तरीके से उस लय में गेंदबाजी नहीं कर पाए जिस लय में उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए थी, और आज के मैच में भी अधिकतर गेंदें उनकी ओवर पिच हो जा रही थी, फुल टॉस की तरीके से गेंदबाजी पर थे ध्यान, जिसका
बाद में बबुआ ने बड़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करके उस पर अच्छे खासे रन बनाए। पाकिस्तान की गेंदबाजी जिस तक होनी चाहिए थी, या जो पाकिस्तानी कोच वकार यूनिस है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम स्टार्टिंग से ही अपने बॉलिंग अटैक्स के लिए जानी जाती है। हम सब जानते हैं, चाहे वकार यूनिस हो, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शकील मुश्ताक हो, मुश्ताक अहमद हो, चाहे दानिश करीम, एवरी वन हैज़ अ पोटेंशियल एंड पाकिस्तान टीम्स नॉन एज अ बॉलिंग यूनिट ऑलवेज हैज अ ग्रेट फास्ट बॉलर और सो स्पिन मीडियम पेसर, एवरी बॉलर ही हैज हिज इन हिज पॉकेट। पर राइट नाउ पाकिस्तान की टीम में वो मजे हुए गेंदबाज नहीं है। शाहीन आफरीदी समटाइम्स ही इन द नेक और समटाइम्स आउट ऑफ टच। अधिकतर वो या तो अपने अच्छे रोल से बाहर रहते हैं, या एक आध मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद वो फिर से उसी शैल में चले जाते हैं। तो इस पाकिस्तान टीम की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके पास एक अच्छा विशेषतः गेंदबाज ना होना। रॉफ उस क्लास के मुझे नहीं लगता कि बॉलर है कि वो विपक्षी टीम के किसी भी खिलाड़ी को, आपने पहला मैच भी देखा साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी की, वैन डुशन, मिलर, इस मैच में भी सारे वही प्लेयर चले जिसकी उम्मीद हमें थी। एक बबुआ आउट ऑफ द बॉक्स निकले कि उन्होंने इतनी शानदार मजी बल्लेबाजी की, जस्ट 93/4 रन स्कोर, बट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। जो एक नींव रखनी थी वो उन्होंने रखी। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों की तारीफ जितनी की जाए कम है, और इसका बहुत हद तक श्रेय पाकिस्तान की खराब गेंदबाजी को जाता है। शाहीन आफरीदी अपने लय में नहीं थे, ना रौफ ना आपके हसनन, किसी ने भी वो कोशिश नहीं की बल्लेबाज को फ्रंट फुट पे या जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ जो गेंदबाजी से हम सब कहते हैं, या एक मजाव क्रिकेटर जो वेल नोन क्रिकेटर है, जो एक अच्छा फास्ट बॉलर, जानता है कि जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की एक गेंदबाजी एक एरिया होता है जिस पर बॉलर अक्सर भरोसा करता हो, उस एरिए से विकेट मिलती है। लेकिन आज के टाइम में कोई बॉलर उस लाइन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, लिटिल बिट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वहाँ से गेंद अगर मूव होती है, चाहे वो इनस्विंग हो चाहे आउटस्विंग हो, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, तो अक्सर चांसेस विकेट के बनते हैं। स्पिनर में आप बल्लेबाज को वहाँ तक खींचिए फ्रंट फुट, जो एक मेरा मानना है, अगर वो आप चाहे ऑफ स्पिनर है चाहे लेग स्पिनर, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेने के चांसेस कब होते हैं, जब बल्लेबाज आपकी गेंद को पीछे करते हो उस एरिए पे, उस अनसर्टेनिटी ऑफ पिच पे आ जाए, जहाँ उसके लिए ये डबल माइंड फ्रेम बन जाए कि वो छोड़े या खेले। इस सिचुएशन में अगर बल्लेबाज फंसता है तो आपकी विकेट लेने के चांसेस बहुत बनते हैं। तो फ्रंट फुट पे उतना बॉलर गेंद को हवा में उतनी स्पिन कराए कि बल्लेबाज उस फ्रंट फुट पे उस पोजीशन तक आने की कोशिश करे जहाँ से वो डबल माइंड फ्रेम में चला जाए। और आज के टाइम में पाकिस्तान टीम में ऐसा कोई भी बॉलर मुझे नहीं दिखता। बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की बल्लेबाजी की, सबको हमेशा की तरह बाबर आजम से उम्मीद है, और बाबर आजम एक उम्दा बल्लेबाज है, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत शानदार तीनों ही फॉर्मेट में आज भी वो एक अच्छे निक में देखे 30+ का स्कोर किया, लेकिन उसके बाद पिछले मैच में इमामुल हक, आज के मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। और रिजवान में जो पिछले मैच में उन्होंने रन स्कोर अच्छे किए, पिछले मैच में मुझे रिजवान की एक बात जो थोड़ा अपसेट कर गई कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में दिखाई दे रहे थे, कि हाँ जैसे कि कुछ प्लेन छूट रहा हो या कोई समथिंग, एवरी टाइम ही शोज हिज एग्रेसिवनेस, और वो उनके लिए चाहे उनकी टीम के लिए कभी कभी एग्रेसिवनेस अच्छा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको खतरे में ही डालता है अगर बिना किसी समझदारी के अपने आक्रोश को बाहर किया जाए, तो वो आपके लिए एक खतरे की घंटी बज सकती है। और आज के मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया, आप तो रन बनाई लेकिन समझदारी के साथ। बबुआ की बल्लेबाजी देखिए, उन्होंने बहुत सही समझदारी और संयम के साथ बल्लेबाजी की, और उसका फिर फायदा उनके बाकी टीम मेट्स ने उठाया, स्कोर को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। फकर जमान एक आप कह सकते हैं उस तरीके के बल्लेबाज है, जिस दिन उनका दिन है उनके लिए कोई बॉलर मायने नहीं रखता, और आज वही दिन था फकर जमान के लिए। 194 समथिंग उन्होंने स्कोर किया, और कोई भी बॉलर हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो रबाड़ा हो, चाहे वो शमसी हो, फुलकवाए हो, नॉर्थजे हो,
एंगिड़ी हो उन्हें मायने नहीं रखता कि आप सामने सब कौन सा प्रेशर आ रहा है। अगर उनका दिन है तो कोई नहीं रोक नहीं सकता। और आज यही था, एक समय उन्होंने मैच को उस हद तक फंसा दिया था कि हार और जीत का निश्चय दोनों ही टीमें सोचने लगी थी कि हम जीत सकते हैं। पाकिस्तान भी एक समय ऐसा सोचने लगा था कि हम जीत सकते हैं। नॉर्थ जे पिछले मैच में भी हीरो, इस मैच में भी हीरो। अगर मैं फास्ट बॉलिंग की डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से दूँ तो नॉर्थ जे एक परफेक्ट एग्जांपल है अच्छे फास्ट बॉलर की। पिछले मैच में भी उन्होंने डैक हिट किया, बॉल को बाउंस किया, बल्लेबाज की चिंग के पास से गेंद निकाला, जिसे अक्सर फास्ट बॉलर एक फास्ट बॉलिंग में ना एक लैंग्वेज है चिंग म्यूजिक सुनाई देनी चाहिए बल्लेबाजों को, यानी कि इतने करीब से गेंद जाए कि उन्हें गेंद की जो विस्पर होती है जब वो आपको पास करे तो वो स्निकनेस वो विस्पर्स आपको सुनाई दे। और कुछ ऐसे ही गेंदबाजी नॉर्थ ईस्ट ने पिछले मैच में की और आज के मैच में भी उन्होंने आपका अजीज को रिजवान को दोनों ही विकेट निकाली। तो और एक अजीज के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, पिछले मैच में उन्होंने तीसरे या चौथे नंबर बल्लेबाजी की और सेम टेक्निक पे सेम बॉलिंग पे ही नॉर्थ ईस्ट ने आउट किया और आज भी उसी बॉलिंग उसी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी जो उनके नियर बाय शोल्डर तक थी और उसी पोजीशन पर आउट किया। और उनकी बल्लेबाजी स्टैंडर्ड को भी देख के नहीं लगता कि वो इस क्लास के बल्लेबाज हैं कि वो पाकिस्तान टीम में फर्स्ट या सेकेंड डाउन या थर्ड डाउन की पोजिशन पर आने के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। आप किसी को एज ए सोर्सिस एज ए जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स या फिलिंग द नंबर 11 1 टू 11 पोजीशन के लिए खिला रहे हो तो एक अलग बात है। अदरवाइज एक अच्छा प्लेयर, क्योंकि मैं ये अच्छा प्लेयर 10 मैच भी खराब हो सकता है लेकिन आप ना उसके खेलने के तरीके से जज कर लेते हो कि इसमें पोटेंशियल है, वो आगे अच्छा बेहतर खेल सकता है और वो पोटेंशियल अजीज में नहीं दिखता। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो एक तरीका होता है बल्लेबाजी का वो जो फ्रंट जो फुटवर्क्स दिखते हैं, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन दिखता है, जो सिचुएशन रीड करने की टेक्निक होती है वो उनमें मुझे नहीं दिखती है। हो सकता है पाकिस्तान टीम पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को दिखी हो बट फॉर माई साइड मुझे नहीं लगता कि वो उस हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन अगले आने वाले मैचों में एक अच्छा स्कोर कर सके। पाकिस्तान के पास कोई विकल्प भी नहीं है उन्हें खिलाने के अलावा। तो पाकिस्तान टीम अपने तीसरे मैच में भी उन्हें खिलाएगी लेकिन पाकिस्तान को एक सॉलिड और एक अच्छा बल्लेबाज सेकंड डाउन के लिए चाहिए। रवाड़ा अपने दोनों ही मैचों में उस क्लास की गेंदबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते। और मुझे लग रहा है कि जोहान्सबर्ग की ये जो पिच है स्कोर बहुत ज़्यादा दे रही है, बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं लेकिन गेंदबाजी में दोनों ही टीमों की तरफ से कमियाँ हैं। रवाड़ा शमशी जो क्लास स्पिनर है, अच्छे स्पिनर है, एंगिड़ी कोई भी चलने को उस गति से या उस सही तरीके से नहीं बॉलिंग कर पा रहा जिसके लिए वो स्वयं उन्होंने अपने आप को उतनी ऊंचाई उतना कद दिया है, जितना नाम उन्होंने बनाया है उस हिसाब से कोई भी बॉलर दोनों ही टीमों की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। बल्लेबाजी दोनों ही तरफ से अच्छी चल रही है। तीसरा मैच सेम वेन्यू पे खेला जाने वाला है, डिसाइडर होगा वो गोज विन द सीरीज, इट विल बी पाकिस्तान और इट विल बी साउथ अफ्रीका। और बड़ा ही रोचक मैच हो सकता है जो वेडनेसडे को हो है, तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्या सेम टीम डिकॉब साउथ अफ्रीका तरफ से डिकॉब बबुआ माक्रम वैन डुशन मिलर दीज आर द बैटर्स हू परफॉर्म वेरी वेल लास्ट टू मैचेस इंक्लूडिंग। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ओनली वन द एंड इन दिस मैच फखर जमान इमामुल हक दीज आर सम फर्स्ट थर्ड डाउन तक जो बल्लेबाज है पाकिस्तान टीम इनसे उम्मीदें ज़्यादा होंगी। अगर ये तीनों चार बल्लेबाज स्कोर करते हैं मिडिल ऑर्डर में रिजवान आसिफ अली अगर ये संभालते हैं सिचुएशन को तो एक टफ टाइट मैच देखने को मिलेगा दोनों की टीमों की तरफ से। आज की मैच की मेरे विश्लेषण ये थे, आप लोगों को कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और हाँ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सोशल नेटवर्क साइट में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सुझाव आप लोगों को मुझे देना हो दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों के पास जरूर एक अच्छा और बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। जब तक के लिए खुश रहिए सुरक्षित रहिए।
एंड मेक श्योर बी हेल्दी एंड सेफ. थैंक यू.